गुड मॉर्निंग गाइस, आज क्लास टेंथ के लेसन फोर्थ सुकरात पर चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं रोडा पावर। रोडा पावर एक लोकप्रिय इंग्लिश राइटर हैं। इनकी लेखन की कला एच.जी. वेल्स और जे.वी. प्रेस्टीले के समान है। इन्होंने क्लासिकल, सोशल और जनरल सब्जेक्ट पर अपने लेख लिखे हैं। इस लेसन सुकरात में इन्होंने सुकरात के बारे में लिखा जो एथेंस में रहता था। एथेंस यूनान देश का एक नगर है, वहीं रहता था। और अक्सर ये शहर में चारों ओर घूमा करता था, लोगों से बातें किया करता था। इसने प्रत्येक व्यक्ति को बताया था कि एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है यदि इसके नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर लें, उनमें ये गुण आ जाए क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है, क्या सत्य है, क्या सुंदर है, ये समझ क्रिएट कर लें तो एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा जो शासन कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये तो नवयुवकों को गुमराह कर रहा है। इसलिए सुकरात को बुलाया, सजाए मौत दे दी। एथेंस में उन दिनों मृत्युदंड की सजा देने में एक कप पॉइजन दिया जाता था, जहर दिया जाता था। सुकरात ने उसे पी लिया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। चलते हैं टेक्स्ट की ओर। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। सुकरात एथेंस में लगभग 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 वर्ष पहले रहता था। एज ए बॉय ही वाज अगली अंडर साइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आईज। बालक के रूप में वह बदसूरत था, नाटेकद का था, नाक उसकी चपटी थी और आंखें उभरी हुई थी। एज अ फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर सो ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड। उसके पिता एक गरीब मूर्तिकार थे, स्टोन कटर, सो ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड। इसलिए वो हमेशा अपेक्षाकृत गंदे फटे कपड़े पहने रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह वो स्कूल गया। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ संगीत और शारीरिक व्यायाम के होते थे। जिम्नास्टिक्स शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स। उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखी और थोड़ा बहुत ग्रहों के बारे में भी उसने जानकारी प्राप्त की। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उतना अधिक इतिहास और भूगोल का ज्ञान उसने नहीं प्राप्त किया एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जितना आज बच्चे याद करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस, ये विचित्र छोटा प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी, चेहरा सपाट था, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड,
एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वो अपने साथियों को हर समय वॉच किया करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और कोई ऐसी घटना नहीं घटती थी जिसे उसे ज्ञात न हो। अर्थात वो अपने साथियों को हर समय देखा करता था और प्रत्येक घटने वाली घटना पर उसकी नज़र रहती थी। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास ना तो बड़ा घर था और ना सुंदर फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटिफुल पजेशंस, ऐसा प्रतीत भी नहीं होता था कि उसे धन अथवा सुंदर वस्तुएं चाहिए। एज ही ग्रू ओल्डर, जो ही वो उम्र में बड़ा हुआ, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट, उसने बहुत कम सोचना आरंभ किया अपने शारीरिक आराम के बारे में। He gave his mind to all that he was noble, honorable and just. उसने अपना सारा मस्तिष्क क्या श्रेष्ठ है, क्या सम्मानित है, क्या न्यायोचित है, ये लगाने में लगाया, ये जानने में लगाया। उसने अपने मस्तिष्क को श्रेष्ठ, सम्मानित और न्यायोचित चीज को जानने में लगाया। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल, सुकरात नगर में पैदल ही घूमा करता था और लोगों से बातें करता था। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स, एथेंस वासी उसके परिचित चेहरे को तलाशने लगे थे एथेंस की गलियों में। एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और वे अपने मित्रों से कहते, यस दैट सुकरात, हाँ यही सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ उसके साथ चलते और बात करते। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर, कुछ समय के बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वांडर्ड अलोंग द रोड्स, वो घूमा करता था सड़कों के किनारे किनारे, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजार के स्थानों पर खड़ा हो जाया करता था, टॉकिंग टू एनी वन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, टॉकिंग टू एनी वन, किसी से भी बात करने लगता था, हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो ध्यान देकर उसका अभिवादन करते थे। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उसके श्रोतागण अक्सर कन्फ्यूज्ड हो जाया करते थे, दुविधा की स्थिति में आ जाया करते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, कब आया करते थे, आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, उससे तर्क करने के बाद, आर एंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, अक्सर उसके श्रोतागण कंफ्यूज हो जाया करते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, हर व्यक्ति को स्वयं के लिए सीखना चाहिए। एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, स्वयं पर विचार करने के लिए हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। सो दैट बाई यूजिंग हिज रीजन, ताकि बाई यूजिंग हिज रीजन, क्यों, ताकि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर
उसके पास सकती हो सके टू सी व्हाट वाज राइट जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल। अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसे ज्ञात हो सके कि क्या सही है, क्या न्यायोचित है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड सो सेफ इज ओन कंडक्ट, और उसी प्रकार अपने आचरण को आकार प्रदान करना चाहिए। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वो चाहता था एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना। ही टोल्ड एवरीवन, उसने प्रत्येक व्यक्ति से कहा, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज अदर फॉलोवर्स, दोनों तरह के जो उसके शिष्य थे और जो उसके दूसरे अनुयायी थे, दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि ऐसा केवल तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड, जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। He believed that questioning and discussion would help them do this. वो विश्वास करता था कि प्रश्न करना, बहस करना, वाद विवाद करना इस कार्य में उसकी मदद करेंगे। And so he was forever talking to them in the open streets. इसलिए वो लोगों से खुली सड़कों पर सदैव बातें किया करता था। When Sukrat was an old man, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति था, his fame had spread far and wide, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened its door to him, बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने दरवाजे उसके लिए खोल दिए। For people felt honored to have him as their guest, क्योंकि लोग उसे अपना अतिथि बनाने में अपने को सम्मानित महसूस करते थे। By degrees, धीरे धीरे, a special group of people gathered around him, शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर एकत्रित होने लगा। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और उसके अनुसरण करता था, उसके पीछे पीछे जाता था जहाँ कहीं भी सुकरात जाता था। एमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, इन्हीं शिष्यों के मध्य में एक नवयुवक था जिसे प्लेटो कहा जाता था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच वाज हिज मास्टर अटर्ड, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच वाज हिज मास्टर अटर्ड, उसने प्रत्येक शब्दों को संचित कर लिया था जो उसके गुरु ने कहा था। अर्थात सुकरात उसका गुरु था, सुकरात द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्दों को उसने खजाने की तरह, धन की तरह संचित कर लिया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, प्लेटो भी उतना ही प्रसिद्ध गुरु हुआ जितना सुकरात स्वयं था। तो आज ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, और हम सेकंड पार्ट अगले वीडियो में रिलीज करेंगे। हमारे चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।